नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुमारवी का किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन। ये धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक में पूर्व CPS राजेश धर्माणी के नेतृत्व में किया गया। इस धरना प्रदर्शन में नवनिर्वाचित नगर परिषद पंचायत प्रतिनिधि VDC बजला परिषद सदस्यों ने भाग लिया। ये धरना प्रदर्शन किसानों के ऊपर जो भाजपा सरकार जबरदस्ती 3 काले कृषि कानूनों को थोप रही है उसके विरुद्ध किया गया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन कर रही किसानों को कभी आतंकवादी, खालिस्तानी और परजीवी कहा जा रहा है। जो किसान अन्न पैदा करता है वो ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को इन शब्दों के अनुसार संबोधित करना शोभा नहीं देता। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और किसान विरोधी कानून शीघ्र वापस लेने चाहिए। संवेदनशील होकर इन किसान नेताओं से बात नहीं कर रही है, बल्कि उल्टे नामकरण करके उनको बदनाम करने के प्रयास कर रही है, उनको बांटने का प्रयास कर रही है और ये अति निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हम किसान आंदोलन के समर्थन में आज यहां धरने पर बैठे हैं और ऐसा धरना हर ब्लॉक में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान सही राह पर है। और जो आलू, जो प्याज किसान से 2-2.5 रुपए किलो खरीदा गया, अभी हाल ही में जो है उसको 50-60 रुपए किलो तक जो है वो वापिस मार्केट में बेचा गया। यही हाल सब जगह है। मक्की का समर्थन मूल्य 1840 रुपए है, एक भी खरीद केंद्र कहीं पे खोला नहीं गया। उसका नतीजा हुआ कि किसानों को 800 से लेकर 1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से जो है अपनी मक्की जो है वो मजबूरन जो है वो बेचनी पड़ी।